एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्याज आर्ट क्राफ्ट। हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो। सो टुडेज टॉपिक इज बोर्ड डेकर डीआईवाई। आई एम गोइंग टू डेकोरेट माय कोजी रूम विद दिस ब्यूटीफुल एंड क्यूट डीआईवाईज। सो इन दिस वीडियो आई हैड शेयर थ्री डिफरेंट डांसिंग डॉल डीआईवाईज। दिस इज आवर फर्स्ट डांसिंग डॉल डीआईवाई एंड दिस इज विद द सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन सेकेंड डीआईवाई। को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे कटआउट्स निकालते हैं घर पे ही, कैसे और कौन से मटेरियल्स का यूज़ करके मैंने ये तीनों डीआईवाईज बनाए हैं। आप मुझे कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको तीनों में से कौन सा ज़्यादा सबसे अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक मेरी मेहनत के लिए ज़रूर दे दें। एंड दिस वन इज़ अवर लास्ट एंड फाइनल डीआईवाई। सो ये है हमारा फर्स्ट डीआईवाई की तरफ बढ़ते हैं हम, और इसे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगा इसका। सबसे पहले हमें एक ड्राइंग बुक चाहिए या फिर A4 साइज पेपर, वाइट कलर पेपर। उसके ऊपर हम इस तरह से कुछ डांसिंग डॉल बना लेंगे। आपको जो भी पिक्चर्स अच्छा लगे गूगल करके आप उसकी पिक्स निकाल सकते हैं, और इस तरह से हमें पेपर पर ड्रॉ कर लेना है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ड्रॉ कर लें, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो सिंपली आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। जैसा कि मुझे घर पे ही ये कटआउट्स निकालना है, मुझे ये बताना है कि कैसे घर पे कटआउट्स निकालते हैं, तो मैं घर पे खुद ही ड्रॉ करके और इसके कटआउट्स निकालूंगी। तो हमें इस तरह के कलरफुल पेपर चाहिए। A4 साइज क्विलिंग पेपर है, इसका यूज़ करके मैं फर्स्ट अपने DIY को लुक दूंगी। हमें इस तरह से पेपर को कट कर लेना है फ्लावर पेटल्स के शेप में, और ब्रश की हेल्प से उसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। जैसा कि ब्लैक कलर और पपाया ग्रीन कलर आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत कंट्रास्ट लुक देता है, वो अट्रैक्टिव होता है, तो इसलिए मैंने ग्रीनिश कलर का यूज़ किया है विद द ब्लैक कलर। यहाँ पे हमें जितने पार्ट को ब्लैक करना है उतने पार्ट को हम स्केच कलर की हेल्प से या फिर वाटर कलर की हेल्प से, मार्कर की हेल्प से ब्लैक कर लेंगे, और रिमेनिंग पार्ट्स को हमें ग्रीनिश करना था तो मैंने वाटर कलर की हेल्प से ग्रीन कर दिया है। अब इस तरह से मैं डिज़ाइन सेट कर लूँगी कि मुझे कैसे बनाना है, कैसे उसको लुक देना है, और मैंने डिसाइड कर लिया है। अब फेविकोल की हेल्प से हमें उसे स्टिक कर देना है। सा फ्लपी लुक देने के लिए मैंने उसको फोल्ड किया था पेपर को, और इस तरह से हमें उसको अच्छे से वन लेयर बाय लेयर उसको स्टिक करना है। अब हम स्केच पेन की हेल्प से या फिर मार्कर की हेल्प से डॉट डॉट्स कर लेंगे, जिस
पर ड्रेस में भी थोड़ा सा सिल्वर लुक देंगे। तो हम कुछ इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कट कर लेंगे और फिर स्टिक कर देंगे। ये रहा इसका फाइनल लुक। अब इसको हम कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से और इसका कटआउट निकाल लेंगे। और ये हमारा थर्ड DIY। से हमें पिक्चर्स ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे मैंने 2:1 में वाटर लिया है और 1:1 में ब्राउन कलर ऐड किया है जिससे कि थोड़ा लाइट कलर दिखे। और हमें उसके बॉडी पे थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मैंने कलर किया वहाँ कलर कर लेना है। और बॉर्डर हम करेंगे डार्क ब्राउन कलर से। इस तरह से हमें उसके हेयर को ब्राउनिश कर देना है और उसके बॉडी को पूरा आउटलाइनिंग दे देना है। यहाँ पे पेंसिल को मैंने पहले रफ नहीं किया था, आप चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पार्कल्स की हेल्प लेंगे हम लोग इसे डेकोरेट करने के लिए। और इस तरह से फेविकोल की हेल्प से हमें स्टिक कर देना है इसकी जहाँ जहाँ पे पार्ट्स पे हमने कलर नहीं किया था। गाइज यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर इसलिए किया था ताकि ये फॉरेनर लगे। सॉरी जस्ट इट्स जस्ट अ जोक अपार्ट। तो यहाँ पे मेरे तीनों DIYs रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको तीनों में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन लगी। ब्लैक ब्यूटी और व्हाइट ब्यूटी। और यहाँ पे डबल साइडेड टेप की हेल्प से हमें उसे स्टिक कर देना है अपने बोर्ड पे। आपको जिस भी साइड स्टिक करना है आप अपने हिसाब से स्टिक कर सकते हैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक।